हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में बहुत सारे मैं आपको गैजेट बताऊंगा यूजफुल। उसके पहले मैं आप लोग बात बताना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वहाँ पे सेट कर देना, और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बात हम करें गेमिंग की, तो गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए भी दोस्तों हमें बड़ी स्क्रीन में तो जरूर खेलना पड़ता है, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो बड़ी स्क्रीन में खेलते हैं। पर क्या होता है दोस्तों, जब हम बड़ी स्क्रीन में खेलते होते हैं ना, तो फिर जरा सा हमें बात दूर बैठ कर हमें खेलना पड़ता है। पर इसको ऐसे कंडीशन में, इस प्रॉब्लम में आप इस तरह के गैजेट को इस्तेमाल कीजिए। एक ऐसा गैजेट है 7 इंच का मॉनिटर होता है, जो आप एक्सबॉक्स या फिर प्लेस्टेशन से यूएसबी से पावर अप करके अपने गेम खेल सकते हैं। और ये फोन जैसा थिंक और लाइटवेट होता है, उसकी वजह से आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। दोस्तों आप जब बड़े बड़े स्क्रीन में जितनी खेलते हैं, उससे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतना ही आपका इस गेम में खेलने के बाद हो जाएगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी होती है, मतलब टैबलेट की इतनी हो जाती है, उसकी वजह से ये क्लीन होता है। और दोस्तों बात हम करें अपनी जो डस्ट होती है, उसे क्लीन खींचने के लिए दोस्तों इसमें होता है 200 वाट का बहुत अच्छा एक मोटर होती है, और साथ ही साथ अलग अलग आईपीएम की स्पीड, मतलब कुछ बात करें इसकी, अलग अलग आईपीएम स्पीड नहीं होती है दोस्तों। 3750 के आईपीएम की स्पीड से स्विच टर्न करते हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग स्टोरेज हो जाती है, अलग अलग डस्ट करने और स्टोरेज करने के लिए, मतलब बड़े चीज के लिए अलग अलग स्टोरेज, साथ ही मिट्टी के लिए अलग अलग स्टोरेज, मेटेलिक चीज खींच लिए तो अलग अलग स्टोरेज मिल जाएगी दोस्तों। एक बार आपने इसे चार्ज किया फुल, तो आप इसे 60 मिनट तक आप इसे कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग कम्बाइनेशन टूल मिल जाएगा, और ऐसे भी टूल मिल जाएगा जो फ्लेक्सिबल होने की वजह से जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, साफ नहीं कर पाते, वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें साफ कर सकते हो। ये क्लीन होता है। और दोस्तों बात हम करें अपनी जो डस्ट होती है, उसे क्लीन खींचने के लिए स्विच में होता है 200 वाट का बहुत अच्छा एक मोटर होती है, और साथ ही साथ अलग अलग आईपीएम की स्पीड, मतलब कि जिस बात करी इसकी, अलग अलग आईपीएम स्पीड नहीं होती है दोस्तों। 3750 के आईपीएम की स्पीड से स्विच टर्न करते हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग स्टोरेज हो जाती है, अलग अलग डस्ट करने और स्टोरेज करने के लिए, मतलब बड़े चीज के लिए अलग अलग स्टोरेज, साथ ही मिट्टी के लिए अलग अलग स्टोरेज, मेटेलिक चीज खींच लिए तो अलग अलग स्टोरेज मिल जाएगी दोस्तों। एक बार आपने इसे चार्ज किया फुल, तो आप इसे 60 मिनट तक आप इसे कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको अलग अलग कम्बाइनेशन टूल मिल जाएगा, और ऐसे भी टूल मिल जाएगा जो फ्लेक्सिबल होने की वजह से जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता, साफ नहीं कर पाते, वहाँ पे आप इसके लिए आप साफ कर सकते हो दोस्तों। ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, मतलब दोस्तों आप इसे फ्लैश लाइट या फिर लैम्प जैसा, या फिर आप इसे फ़ोन चार्ज करना के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसे एक बार चार्ज कर लिए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों छोटा करके आप इसे अपने बैग में फिक्स कर सकते हो, और स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं खाएगा, और ये वाटर प्रूफ होती है। अब बात करें इसे रिचार्ज करने के, इसे रिचार्ज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप इसे ऐसे सनलाइट से रिचार्ज कर सकते हो, या फिर आप इसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के यूएसबी से आप इसे चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों मतलब एक तरह का पूरा तरह से मतलब एक यूजफुल गैजेट हो जाता है ट्रैवलिंग और कैंपिंग के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, दोस्तों अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट